पानी ऐसी चीज है कि आदमी भूख अगर लगी हो पानी का दो घूंट पी लेगा तो फिर भी सारा मिल जाता है। इधर तो मरीज आते हैं, हॉस्पिटल है, हजारा लोग आते हैं, कोई जल्दी जल्दी से आता है, पैसे भी भूल जाता है, नहीं भी पैसे होते हैं तो चलो इधर से दो बोतलें भर के वो अपना काम चला सकता। अगर ये पानी चलता तो किसी गरीब का काम आता, आम आदमी भी पींदा, खुश होता, जिन्ना लाया उसी भी चीजा दिता कि वाकई तू चीज बनाई है अच्छी है, लेकिन पैसा भी लाया गवर्नमेंट ने। शहर जम्मू को स्वच्छ और सुंदर रखे, बोर्ड लगा के छोड़ दिया, वो भी नाम का। नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। जनाब, बोर्डों पे तो आपने लिख दी है स्वच्छ और सुंदर, अब आपने कितना सुंदर रखा है, प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत आता है ये, देखिएगा, आइए सुंदर दिखाए, पास कीजिएगा। ये नीचे गंदगी टाइल्स लगी और ये क्या है आपको दिखाते हैं, ये वाटर कूलर लगाया गया है, साल होने पे आ गया है और यहाँ पे नाम का वाटर कूलर लगा हुआ है। ये पास देख सकते हैं, कपड़े तक पड़े हैं, गंदगी देख सकते हैं और वाटर कूलर काम नहीं कर रहा। ये नलके लगा दिए गए हैं जनाब, पानी किसने डालना है इसमें, और पूरे तरीके से इस पे काम नहीं किया गया। मैं कैमरा संजोगी को बोलूंगी पास आ, ये देखिएगा हालत देख सकते हैं, ये देखिएगा ये भी प्लाई निकलने पे आ गई है, ये देखिएगा आवाज सुन सकते हैं क्या है इसके अंदर, ये देखो एक यूं कह ले तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिएगा। और ये वाटर कूलर जो लगाए गए हैं, वाटर कूलर नाम के हैं जनाब, ये यहाँ पे साफ लिखा है वजन घटाए बढ़ाए, ये काम कर रहे वाटर कूलर, इसके ऊपर एड लगा दी गई है वजन घटाए या बढ़ाए। पीछे हॉस्पिटल है गांधीनगर का, बाहर लगाया गया, बहुत अच्छी बात है, लोगों को पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन पानी के नाम पे ये खाली एक खच्चर की तरह, यहाँ पे पीछे दिखा दे अभी तस्वीरें, ये गंदगी देखिए कितनी है, सुंदर बनाए वहाँ पे दीवारों पे सिर्फ नाम का लिख दिया गया है, तस्वीरें वहीं पे दिखाएंगे, ये देखो ये तस्वीरें देख सकते हैं। स्वच्छ अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ, बोर्ड पे तो आपने लिख दिया, और इसी के पीछे देखो कितना सुंदर है, गंदगी देख सकते हैं, ये देखिएगा, और पीछे यहाँ पे दिखाए पीछे हॉस्पिटल पड़ता है और वहीं पे उसके बाहर एक जो बात करे वाटर कूलर लगाया क्या है, और वाटर कूलर का सिर्फ ढांचा लगा के छोड़ दिया है, जैसे रावण को जलाया जाता है दशहरे वाले दिन, उसको लगा के खड़े कर देते हैं, आग लगाने की देर होती है और मुझे लग रहा है इसको हटाने की देर, अब ना पानी है ना कुछ है, लगा के छोड़ दिया तो जनाब कम से कम इसको थोड़ा देखियो तो सही, पानी कौन देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं पानी डालने के लिए, ये तो आपका काम है, अगर आपने यहाँ पे कुछ सोच समझ के बनाया, बड़ा अच्छा काम किया है तो आपका फर्ज बनता है इस पे देख रेख कीजिएगा। ये एक वाटर कूलर नहीं, ना जाने कितने वाटर कूलर ऐसे पड़े हैं, पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं और आपने देखना ही नहीं है, कुर्सी पर बैठे हैं, नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लाइट्स लगाई जा रही है अफसर रोड में, अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले काम कर रहे हैं वो किसने देखने हैं। चलिए इस बारे में यहाँ के नियर बाय क्या कुछ कहना है, चलिए उनसे बातचीत करके जानते हैं। तो इस वाटर कूलर को लेके जो लगाए गए हैं नाम के, और आपने तस्वीरें देखी, गंदगी भी कितनी बड़ी हुई है, टाइल्स लगा कर छोड़ दी गई है, देख रेख कोई कर नहीं रहा। तो चलिए नियर बाय जो अंकल जी है, ये रोजाना यहाँ से निकलते हैं, इनका अपना होटल भी है, इनसे बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। जी अंकल जी, थोड़ा की कुछ कहना है ये वाटर कूलर बारे, कितने साल पुराना है, की कहना चाहते हो? मैं ज्यादा नहीं, 6 महीने हुई इतने चक्कर लाते आते जाते रहना, कि जगदीश सिंह पहलवान के ढाबे में काम करना, तो इधर आना जाना मेरा लगे रहा, ये मैं देखता रहना 6 महीने, मैं भी देखा बंद है, देखो कितनी सोहनी टायल लाई दी है, कितना सोहना वाटर कूलर बनाए दा, देखो कूड़ा पेदा, अगर ये पानी चलता तो किसी गरीब का काम आता, आम आदमी भी पींदा, खुश होता, जिन्ना लाया उसी भी चीजा दिता कि वाकई तू चीज बनाई है अच्छी है, लेकिन पैसा भी लाया गवर्नमेंट ने, पर चल नहीं रहा, इसको देखना चाहिए, जिन्होंने लगाया उनका फर्ज है देखना कि जो हमने चीज बनाई है वो चल भी रही है या नहीं चल रही है, वो क्या है, पैसा लगा दिया, देखा नहीं उसको चल रही है नहीं चल रही है, ये तो नहीं चल रहा, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं नहीं चल रहा, ये चलना चाहिए, यही बिनती है, इसका कोई विरोध नहीं है, चलना चाहिए, क्योंकि पानी ऐसी चीज है कि आदमी भूख अगर लगी हो पानी का दो घूंट पी लेगा तो फिर भी सारा मिल जाता है। इधर तो मरीज आते हैं, हॉस्पिटल है, हजारा लोग आते हैं, कोई जल्दी जल्दी से आता है, पैसे भी भूल जाता है, नहीं भी पैसे होते हैं तो चलो इधर से दो बोतलें भर के वो अपना काम चला सकता है।
क्या कहोगी, ये एक वाटर कूलर नहीं है, अनेक वाटर कूलर की बात करें, अगर वो चल भी रहे हैं, वो नहीं चल रहे, नाम के लगाए गए हैं, तो क्या कहोगे? ऐसा नहीं सिर्फ कोटा पूरा कर रहे स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर, पैसा अंदर घुसा रहे हैं, उसके बावजूद नाम के वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगाने वालों को नहीं पता कि मैंने वाटर कूलर लगा दिया, इस पर देख रेख भी होना चाहिए, क्या पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रैना साहब एक टीम बनाए और देखें कि जो भी इन्होंने काम किया, कारपेंटर ने किया, ठेकेदार ने किया, जिसने भी लगाया है, कौन कौन से वाटर कूलर चल रहे हैं, कौन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनको बताया गया हो सब चल रहे हैं, जब उनके तक ये बाज पहुंचेगी मुझे पता है जरूर ये चलेगा, ये जरूर चलेगा। इतना विश्वास उनके ऊपर कैसे? क्योंकि वो काम करने वाले बंदे हैं, रैना साहब काम करने वाले बंदे हैं और काम करते हैं। धर्मेंद्र रैने की बात कर रहा हूँ, काम करते हैं और टीम उनकी पूरी अच्छी है। अच्छा, ऐसी बात नहीं, पूरी टीम अच्छी है और काम कर रहे हैं। मैं तीसरे दिन उनको मोबाइल पे देखता रहता हूँ, अखबारों में देखता रहता हूँ, हर बंदे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर बंदे को जोड़ने की कहते हैं, बात सुनते हैं, तो मैं भी उनको बात सुना रहा हूँ, मेरे इधर से दो तीन दबाव निकलते हैं। आपका कहने का मतलब है दविंदर रैना ही सिर्फ एक शख्स है जो काम करते हैं, बाकी लोग इसका मतलब बाकी भी करते हैं, सारे करते हैं, मैं नहीं कहता। अपनी पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल साथ है, वो भी इधर से जाते हैं, वो भी जाते हैं, उनके भी लीडर अभी आए हैं, जा रहे हैं, मैं उनको क्या कह रहा है, वो उधर से जाते रहते हैं, मेरा होटल है, कई दफा मैं उनको सलाम करते रहता हूँ, वो इधर से जाते रहते हैं, वो अगर वो इधर से जाए तो उस वाटर कूलर को जरूर देखें, ये बंद है, इतना पैसा लगाए जो बंद है, और अगर उनके ध्यान पे आएगा जरूर आदमी भेजेगा और चेक करेगा और ये जरूर चलेगा, मुझे बता। इसके बावजूद भी नहीं चलाया गया तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, मैं उनके दफ्तर जाऊंगा और रैना साहब को बोलूंगा वो वाटर कूलर नहीं चला है, क्योंकि मैं भी वोटर हूँ, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं यहीं वोट डालता हूँ, यहीं जीऊँगा, यहीं मरूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके पानी के काम आने वाला पानी है वाटर कूलर, ये सबकी बात है, तो सबकी बात करना कोई डर नहीं है, अच्छी बात कहनी कोई बुरी बात नहीं है, कि सच बोलना, सच बोल दिया मैंने, ये बंद है, ये बंद ही है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भाजपा के काम से कितना खुश है, लग रहा है कि तरक्की कर रही जम्मू में? मैं कह रहा हूँ कि काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। कौन कर रहा है, सिर्फ भाजपा या कोई और पार्टी भी? देखो अभी तो आपको पता है कि गवर्नर राज है, ठीक है ना, जो इधर गवर्नर छोड़ा है वो काम कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, लेकिन हर आदमी तो खुश नहीं ना रहता, हर आदमी का काम कोई तो कोई दूरा रह जाता है, नाराज नहीं होना चाहिए, उनका भी काम हो जाएगा, हम किसी पार्टी को ये नहीं कहेंगे बुरा है, जो काम नहीं करता वो बुरा है, पार्टी कोई बुरी नहीं। आपकी नजर में कौन है वो जो नहीं करता काम? देखो मैं ये नहीं कह सकता कौन नहीं करता है, जब पाला पड़ेगा तो उसका नाम भी ले लेंगे, वो काम नहीं करता है, काम सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में सब पार्टी अच्छी है? अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई भी पार्टी है सब अच्छी है, काम करो, मैं हर पार्टी को कहता हूँ काम करो, सजनों काम करोगे तो जनता में जाओगे, जनता खुश होगी फिर आओगे। क्या बात है, आपका नाम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है राम कुमार, पप्पी पलोड़े का रहने वाला हूँ और मैं जगदीश सिंह पहलवान की दुकान पे काम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी। तो साफ तौर पर देखा नियर बाय काम करते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है सभी पार्टी चली अच्छी है, कोई तो जम्मू में हमारे एक शख्स मिला जो पार्टी की तारीफ कर रहा है। जनाब ये जो वाटर कूलर है आपसे ये गुजारिश है, जो लगा के छोड़े हैं इस पर देख रेख भी कीजिएगा, नहीं चल रहे, नहीं काम, अधूरा छोड़ा हुआ, तस्वीरें आपने पहले भी देखी थी, ये देखिएगा, ये हालात देख सकते हैं, ये देखिएगा, और लोग इस पे ऐड लगा रहे हैं, अपना वेट लूज कीजिएगा, वजन घटाए बढ़ाए, वाह ये मशीन क्या इसलिए लगा दी गई है, इसकी हालत देख सकते हैं, कपड़े तक पड़े, चादर तक पड़ी है, और टाइल्स इतनी प्यारी लगा दी गई है, लेकिन देख रेख करने वाला कोई नहीं है। वही पीछे तस्वीरें दिखा दे, यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल पड़ता है, हॉस्पिटल के पास पानी का कितनी जरूरत होती होगी, और ये हालत है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में, कितने प्रोजेक्ट, कितने काम किया जा रहा है वो तस्वीरों में आपने देखा, कि आपके मोहल्ले में भी इस तरह से वाटर कूलर लगाए गए हैं, क्या पानी है या नहीं है, या इसी तरह से लगा कर छोड़ दिए हैं। आप लोग अपनी राय जो है हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज, कैमरामैन अनमोल के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।